ईरान ने इसराइल और अमेरिका को धमकी दी है। सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामनेई ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए अमेरिका और इसराइल को करारा जवाब मिलेगा। साथ ही आयातुल्ला खामनेई ने कहा कि हमारे दुश्मनों की हरकतों को भुलाया नहीं जाएगा, चाहे ज़ायोनी शासन हो या संयुक्त राज्य अमेरिका। ईरान, ईरानी राष्ट्र और प्रतिरोध मोर्चे के साथ जो कुछ भी वे कर रहे हैं, उनका उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। हाल ही में ईरानी अधिकारी भी इसराइल पर एक और हमले की चेतावनी दे चुके हैं। दरअसल इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसमें ईरान के कम से कम 5 लोग मारे गए थे। हमले के बाद खामनेई ने कहा था कि इसराइल को के हमले को ना तो बड़ा चढ़ाकर बताना चाहिए और ना ही इसे कमतर समझना चाहिए। हम इसराइल को ईरानी युवाओं की ताकत समझाएंगे। अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल को पलटवार करने से रोक नहीं पाएंगे। एक मीडिया हाउस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने सीधे ईरानी अधिकारियों से इसको लेकर बात भी की है।